पार्टी की सरकार को तो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो आपको हराना ही है, लेकिन 5 साल पहले जो आपने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है उसको भी आपको भूल नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी के तत्व को आपको जरूर याद रखना है कि अगर समाजवादी पार्टी पुनः सत्ता में आने की जो कोशिश में लगी हुई है, अगर हमने उसको जिता करके भेजा तो क्या हमें न्याय इंसाफ मिल पाएगा? हम लोग ये चाहते हैं कि सभी के बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले। 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लेती है और हमारे बच्चों का हिस्सा मारती है, और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के नाम पर मुसलमान का और पिछड़े का वोट लेती है। लेकिन जब सत्ता में जाती है तो सत्ता में जाने के बाद उसे पिछड़ा और मुसलमान याद नहीं आता। जब सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की भर्ती होती है तो वो कुछ लोगों की सरकार हो जाती है, पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमान उसे याद नहीं आते। हम तो चाहते हैं कि वो सरकार बने जो सबकी बात करे, सबको हिस्सा देने की बात करे। यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। ज्यादा डिटेल में बात कुछ हमारे आदरणीय उवैसी साहब रखेंगे। आप सबकी तरफ से मैं भी उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और पुनः आपसे एक बार अपील करता हूं कि हमारे जो भोगांव विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर भूपेंद्र साग जी, जिनका चुनाव निशान कन्नी है, कन्नी के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अपील करता हूँ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उवैसी साहब से, वो आए और अपनी बातें आपके बीच में रखें। नमस्कार, सलाम अलैकुम। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, और इस विधानसभा से हमारे भूपेंद्र सिंह शाक साहब, मजलिस और जाप पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि भागीदारी परिवर्तन